नमस्कार, glibs.in में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति अग्रवाल। केंद्र सरकार ने कोयला खनन और इसके कारोबार में निजी कंपनियों को शामिल करने का फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसके बाद निजी कंपनियां भी कोयला निकालकर उसका व्यापार कर सकेंगी। कोयला क्षेत्र का 1973 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब से लेकर अब तक का यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कोयला और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस बदलाव का कोयला क्षेत्र को फायदा मिलेगा, इससे इस क्षेत्र में बेहतर काम होगा। निजी कंपनियों के लिए कोयला कारोबार के द्वार खुलने के बाद क्षेत्र में प्रतिस्पर्धिता क्षमता बढ़ेगी। पीयूष ने कहा कि निजी कंपनियों की एंट्री निवेश के साथ ही रोजगार बढ़ाने में कारगर साबित होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में जुड़े अन्य विभागों का भी तेजी से विकास होगा। बता दें कि मौजूदा समय में भी निजी क्षेत्र की कंपनियां को कोयला ब्लॉक आवंटन किया जाता है। हालांकि वे इस कोयले का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए ही कर सकते हैं, वह इसे बाजार में नहीं बेच सकते। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के बाद कोयला खदानों को इन नीलामी के जरिए घरेलू और विदेशी खनन कंपनियों को आसानी से बेचा जा सकेगा। गोयल ने बताया कि CCEA ने कोयला खान अधिनियम 2015 और खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत कोयला खदानों और कोयला प्रखंडों के आवंटन के नियम और इसके तौर तरीके को भी मंजूरी दे दी है। हाय, मैं हूं जावेद अली और glibs.in को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वन नेशन वन इलेक्शन।